नमस्कार, मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। बाईपास सर्जरी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, बाईपास सर्जरी में यूज़ करने वाली जो नसें होती हैं, जो बाईपास में यूज़ की जाती हैं, उन नसों के बारे में हम आज जानेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि बाईपास सर्जरी में बेसिकली हम क्या करते हैं, इस चित्र में मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। ये आप देखेंगे, एक नस है जिसमें खून का बहाव हो रहा है और ये बीच में ब्लॉकेज है। अब इस ब्लॉकेज, ये ब्लॉकेज इतने सख्त होते हैं कि इन ब्लॉकेज को हटाया नहीं जा सकता, और इसलिए हम क्या करते हैं कि हम एक बाईपास रोड बना देते हैं, एक रास्ता दूसरा कनेक्ट कर देते हैं उस ब्लॉकेज के आर पार, ताकि खून का बहाव उस बाईपास रास्ते से वापस आगे की तरफ जाने लगे जहाँ पे खून की आवश्यकता है। इसे ही बाईपास सर्जरी कहते हैं। और ये जो बाईपास रास्ता बनाया जाता है, ये बाईपास रास्ता बनाने के लिए जिन नसों का यूज़ किया जाता है, उन नसों को हम वैज्ञानिक भाषा में कंड्यूट्स कहते हैं। ये जो नसें हैं बाईपास सर्जरी के लिए जिनका यूज़ किया जाता है, ये नसें आर्टिफिशियल नसें नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि आर्टिफिशियल नसें लगाने पे वो नसें ज़्यादा लंबी नहीं चलती। हमें अपने शरीर के, स्वयं उस व्यक्ति के शरीर की ही नस लगानी पड़ती है। इवन ये नसें कोई दूसरा डोनेट नहीं कर सकता, किसी और व्यक्ति की नसें नहीं लगाई जा सकती। किसी भी व्यक्ति के शरीर में दो तरह की नसें होती हैं, एक नस जिसे हम आर्टरी कहते हैं या धमनी कहते हैं, और दूसरी नस जिसे हम शिरा कहते हैं या वेन्स कहते हैं। मोटे तौर पर हम जानें कि आर्टरी धमनी जो होती है वो शुद्ध खून को कैरी करती है, और इसमें खून का दबाव काफ़ी ज़्यादा होता है, 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ज़्यादा दबाव पे खून का बहाव होता है। और जो शिरा होती है, जो वेन होती है, वो अशुद्ध खून को कैरी करती है और इसमें खून का दबाव कम होता है। सामान्यतः हम अपने हाथ में, पैरों में जिन उभरी हुई नसों को देखते हैं, ये वेन्स होती हैं, ये शिरा होती हैं, और इनमें ये नीले रंग की होती हैं इसलिए क्योंकि इनमें अशुद्ध खून होता है। और जो नाड़ी चेक करते हैं, जो डॉक्टर नर्व्स देखते हैं, वो आर्टरीज होती हैं और इनमें शुद्ध खून फ्लो होता है। ये जानकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम बाईपास सर्जरी के लिए जिन नसों का उपयोग करते हैं वो इन्हीं दो तरह की नसें होती हैं, आर्टरी या वेन्स। जिन नसों में, हार्ट की जिन नसों में ब्लॉकेज होता है वो आर्टरीज होती हैं, वो धमनी होती हैं, इन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज या कोरोनरी धमनी कहते हैं। आर्टरीज में जब ब्लॉक होता है तो उसको बाईपास करने के लिए हम वेन्स का भी उपयोग कर सकते हैं और आर्टरीज का भी उपयोग कर सकते हैं। हमें ये समझना है कि आर्टरीज चूँकि ज़्यादा दबाव में खून को कैरी करती हैं, इसलिए आर्टरी के ब्लॉकेज को अगर हम आर्टरी से ही बाईपास करते हैं तो उसे आर्टेरियल बाईपास कहते हैं, और अगर हम आर्टरी के ब्लॉकेज को वेन के माध्यम से बाईपास करते हैं तो उसे वीनस बाईपास कहते हैं। हमारे शरीर में आर्टरी जो धमनियां होती हैं, कुछ धमनियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम एक तरह से मान सकते हैं कि वो स्पेयर होती हैं, वो अगर हम उनको वहां से निकाल लें तो भी शरीर के नॉर्मल फंक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसी धमनियों का उपयोग हम बाईपास सर्जरी में करते हैं। ऐसी तीन आर्टरीज होती हैं जो सामान्यतया यूज़ की जाती हैं। पहली आर्टरी जिसे हम इंटरनल मेमोरी आर्टरी कहते हैं, IMA। इंटरनल मेमोरी आर्टरी एक जोड़े में होती हैं, एक दाईं तरफ होती हैं और एक बाईं तरफ होती है, जिसे हम राइट और लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी बोलते हैं। ये इंटरनल मेमोरी आर्टरीज हमारी छाती की दीवार के पीछे के हिस्से में होती है, मतलब आगे की छाती की दीवार के पिछले हिस्से में होती हैं, और जब बाईपास सर्जरी की जाती है तो वहीं उसे निकाल कर और वहीं बाईपास में उपयोग कर लिया जाता है। दूसरी जो आर्टरी यूज़ की जाती है वो हाथों की आर्टरी यूज़ की जाती है, जिसे हम रेडियल आर्टरी कहते हैं। वो बाएं या दाएं हाथ की रेडियल आर्टरी उपयोग की जाती है। कभी कभार एक आर्टरी जो हमारे पेट में होती है, जिसे गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी कहते हैं, उस आर्टरी का भी उपयोग किया जाता है बाईपास सर्जरी में, लेकिन उसका उपयोग कम होता है। मोस्ट कॉमनली दो मुख्य आर्टरीज का उपयोग होता है, एक इंटरनल मेमोरी आर्टरी जो सीने में से निकाली जाती है, और एक रेडियल आर्टरी जो हाथ से निकाली जाती है। जो वेन्स होती हैं, वो जो शिरा होती है, वो हमारे पैरों से निकाली जाती है, इन्हें हम वीनस बाईपास में उपयोग करते हैं। वो दाएं या बाएं पैर से आवश्यकता के अनुसार अनुरूप
कितनी लेंथ हमें चाहिए, वेन्स की क्वालिटी कैसी है, उस पर निर्भर करता है कि हम दाएं पैर से या बाएं पैर से या दोनों पैरों से वेन्स निकालते हैं। अब आर्टेरियल बाईपास और वेनस बाईपास, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? आर्टेरियल बाईपास और वेनस बाईपास में एक मूलभूत अंतर यह होता है कि जैसे मैंने बताया कि जिन नसों में ब्लॉकेज है वो आर्टरी है, वो धमनियाँ हैं, और अगर हम उसको बाईपास करने के लिए आर्टरीज का ही उपयोग करते हैं तो ये एक नेचर के, प्रकृति के अनुरूप बाईपास हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि हमने आर्टरी के ब्लॉकेज को आर्टरी के ही बाईपास से दूर किया, तो सेम क्वालिटी की नसें यूज़ हुई। वीनस बाईपास में ये होता है कि हमने आर्टरी में जो ब्लॉकेज थे उसको वेन लगा के, वेन के थ्रू बाईपास करके दूर किया। चूँकि वेन जो होती हैं वो कम प्रेशर पे खून ले जाती हैं, और जब उन्हें हम उन्हें आर्टरी के सिस्टम में कनेक्ट कर देते हैं बाईपास करने के बाद, तो उन्हें ज़्यादा दबाव में खून को कैरी करना पड़ता है। ऐसा होने पे उनमें धीमे धीमे उनकी दीवारें मोटी होने लगती हैं, और 10 सालों में, 15 सालों में धीमे धीमे उनकी दीवारों में ब्लॉकेज बनने लगते हैं। ऐसा सारी वेन्स में नहीं होता, लेकिन 100 में से 50% वेन्स में 10 साल बीतते बीतते 10 से 15 साल में ब्लॉकेज बनने लगते हैं। जो आर्टेरियल नसें होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं, अगर उनसे बाईपास किया जाता है, चूँकि वो हाई प्रेशर पे ब्लड कैरी करने के लिए, हाई प्रेशर पे खून को ले जाने के लिए ही बनी होती हैं, इसलिए वो एक तरह का नेचुरल ही बाईपास हुआ, और उसमें उन धमनियों पे कोई असर नहीं पड़ता और वो लाइफ लॉन्ग चलती हैं, या कम से कम वीनस बाईपास के मुकाबले उनकी लाइफ ज़्यादा होती है। ये तो हुई बात कि आर्टेरियल बाईपास और वीनस बाईपास में क्या फ़र्क है, लेकिन दोनों के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। आर्टेरियल बाईपास जो होते हैं, आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरीज में कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता है। जैसे हमने देखा कि कोरोनरी आर्टरीज जो हमारी हार्ट की नसें हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल जमाव हो जाता है, ठीक इसी तरह इन आर्टरीज में जिनको हम बाईपास के लिए यूज होते हैं, कई बार उनमें भी कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है। अगर ये जमाव ज़्यादा है, अगर उनमें खून का बहाव प्रॉपर नहीं है, तो हम उन आर्टरीज को उपयोग नहीं कर सकते, और ऐसी स्थिति में हमें वेन्स का उपयोग करना पड़ता है। दूसरा, कई बार आर्टरीज जो होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं, उनमें मांसपेशियों की मात्रा चूँकि ज़्यादा होती हैं, तो कई बार वो स्पाज में चली जाती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं और उनमें खून का बहाव अच्छा नहीं होता। ऐसी स्थिति में भी कई बार हमें वीनस बाईपास का उपयोग करना पड़ता है। तीसरी, कई बार स्थिति बनती है कि जो आर्टरीज हैं इनमें डिसेक्शन हो जाता है, मतलब उनकी परतें उधड़ जाती हैं, और उस स्थिति में भी हमें वीनस बाईपास यूज़ करना पड़ता है। कई बार मरीज की कंडीशन बहुत अनस्टेबल होती है, पेशेंट बहुत सिक होता है, ऐसी स्थिति में भी वीनस बाईपास उपयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वीनस बाईपास का आर्टरियल बाईपास के मुकाबले लाइफ थोड़ी सी कम ज़रूर होती है, लेकिन ऑपरेशन के दौरान बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जिनसे ये निर्धारित होता है कि मरीज का आर्टरियल बाईपास होना चाहिए या वीनस बाईपास होना चाहिए। और मरीज बात से बिल्कुल हताश न हो, वीनस बाईपास भी पूरे विश्व में मान्य बाईपास है, और उसके भी रिजल्ट लंबे समय तक काफ़ी अच्छे रहते हैं। हमने 20-25 साल तक भी वीनस बाईपास को अच्छा चलते हुए देखा है, पर सामान्यतया यही कोशिश रहती है कि जितना हो सके हम आर्टरियल बाईपास करें। जब हम हार्ट के जितने भी ब्लॉकेज हैं उन सारी नसों को का बाईपास आर्टरी के माध्यम से ही करते हैं, तब हम इसे टोटल आर्टेरियल बाईपास सर्जरी कहते हैं। और इसी तरह अगर केवल वेन्स लगाकर हमने बाईपास किया, तो वो टोटली वेनस बाईपास सर्जरी हुई। मोस्ट कॉमनली जो बाईपास सर्जरी की जाती है पूरे विश्व में, उसमें हम इंटरनल मेमोरी आर्टरी, एक अंदर जो सीने के अंदर की नस होती है उसको, और बाकी वेन्स लगाकर बाईपास करते हैं। पर अधिकांशतः सर्जन का यह प्रयास रहता है कि टोटल आर्टरियल बाईपास ही हो, ताकि मरीज को मैक्सिमम बेनिफिट, अधिकतम लाभ मिल सके। आज के वीडियो में हमने जाना कि आर्टेरियल बाईपास क्या होता है, वीनस बाईपास क्या होता है, बाईपास सर्जरी के लिए इन नसों में की क्वालिटी में क्या फ़र्क होता है, और लंबे समय में इसके क्या परिणाम होते हैं। बाईपास सर्जरी के बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे हम आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।